हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फूडोपोलिस। आज मैं आप लोगों से बहुत ही एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चॉकलेट संदेश, जो बिना गैस जलाए बहुत कम खर्च में और बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे 10 पीस मारीगोल्ड बिस्किट ले लिया है मैंने। आप लोगों के पास यदि मारीगोल्ड नहीं हो तो जो बिस्किट हो वही आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, मैं ली हूँ मिक्सर जार और उसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून शुगर, मतलब चीनी। और उसी जार में मैं बिस्किट को तोड़ ले रही हूँ क्योंकि इसका हम लोगों को बनाना है फाइन पाउडर। और बिस्किट को यहाँ पे मैंने पाउडर बना लिया है जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। और इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। और यदि आपके पास कोई चीज़ नहीं हो तो वो स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रहने से आप बना नहीं सकते हैं या इंजॉय नहीं कर सकते हैं, विशेषकर इस लॉकडाउन में, क्योंकि हर किसी के घर में हर चीज़ नहीं रहता है। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ बटर। और ये कोको पाउडर है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कोको पाउडर। और सभी को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिश्रण को डो बनाने के लिए मैं डालूंगी इसमें 2 टेबल स्पून दूध। और ध्यान रहे, दूध ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि दूध ज़्यादा हो जाने से फिर उसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और कम रहने से दूध हम लोग एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, तो इसलिए चम्मच से ही डालें दूध जब भी डालें। और इसका मैं एक सॉफ्ट डो बना लूँगी। डो बन चुका है जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, और इसे मैं अलग रख दूँगी। और सादा पार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ पफ्ड राइस, क्योंकि अंदर का स्टफिंग हम लोगों को बनाना है। और यहाँ पे भी मैंने लिया है 1 टेबल स्पून शुगर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और बिलीव मी कि ये आप नहीं बताने से कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि आपने किस चीज़ से बनाया है ये संदेश। और इसे भी मैं पाउडर बना लूँगी। अंदर का जो स्टफिंग है वो पाउडर बन चुका है और उसमें मैंने डाला है कंडेंस्ड मिल्क। वन टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें भी बटर। और सभी को हम लोग अच्छी तरह से इसका भी डो बनाएंगे। और मूढ़ी जो है बहुत ही हेल्दी है हर किसी के लिए, हर पेशेंट के लिए, शुगर पेशेंट के लिए भी मूढ़ी बहुत ही अच्छा है क्योंकि मूढ़ी से एसिडिटी नहीं होता है। कितने सारे एडवांटेज है मूढ़ी का ये तो सभी को पता है। यहाँ पे बेकार का मैं और क्या बताने जाऊंगी। और यहाँ पे मैं चली आई हूँ, मेरे पास ये बटर पेपर भी नहीं था घर में, तो ये पेपर था मेरे पास, इसे मैं बटर पेपर बनाऊंगी क्योंकि हम लोग के यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है और टोटली लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे रेड जोन है, तो इसलिए और भी किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। और इसे पेपर को मैं बटर पेपर बना ली हूँ, बटर लगा दी हूँ इसमें, और इस पर मैं चॉकलेट का डो जो है अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। और इसे हम लोग इस तरह से रोल कर लेंगे जिससे कि इवेनली ये फैल जाए। देखिए कितना प्यारा और कितना पतला
बन चुका है सीट हम लोगों का, चॉकलेट सीट, और उस पर मैं फैला दूंगी ये अंदर का स्टफिंग जो मैंने संदेश का स्टफिंग तैयार करके रखा था पफ्ड राइस से। चारों तरफ हम लोगों को इवेनली फैला लेना है। और ये रेसिपी, ये डेजर्ट आप लोगों को आज से पहले किसी ने नहीं दिखाया होगा, क्योंकि 2 दिनों से थिंकिंग करते करते मैंने ये निकाला है, क्योंकि मेरे घर में जो है कोकोनट कोई नहीं खाता है, मतलब नारियल कोई नहीं खाता है, इसलिए मुझे ये डेजर्ट निकालना पड़ा। और इसे हम लोग रोल करके फ्रीज में रख देंगे। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, फ्रीज में मैंने रख दिया था उसे 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद ये सेट हो चुका है, और इसे मैं इवेनली कट कर लूँगी। देखिए कितना प्यारा तैयार हुआ है, मतलब काटते काटते मैं तो आधा खा गई थी। और इसे फ्रीज में आप लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 हफ्ते तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 1 हफ्ते तक बचेगा। ये बनते के संग संग ही बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं। तो आप लोग को यदि मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें, क्योंकि आपके 1 लाइक से या सब्सक्राइब से हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं इस तरह से रेसिपी शेयर करने के लिए आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।